said any word. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लेक्सर। देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लेक्सर एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि बहुत सारी इनपुट्स को एक्सेप्ट कर सकता है, बट उन बहुत सारी इनपुट्स में से वो सिर्फ एक ही इनपुट को आउटपुट में पास ऑन करता है। मींस मल्टीप्लेक्सर में इनपुट्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट आउटपुट हमेशा एक ही होगी। इसलिए हम मल्टीप्लेक्सर को मैनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा एक मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हमारे पास चार इनपुट्स हैं I0, I1, I2, I4। तो यहाँ पर चार इनपुट्स हैं और एक ही आउटपुट होगी Y। यहाँ पर आपको एक डायलर दिखाई दे रहा है, जिसको हमने एक एरो से रिप्रेजेंट किया है। जिस पोजीशन पर अभी डायलर है, उस पोजीशन पर क्या होगा, उस पोजीशन पे आपको ये मल्टीप्लेक्सर सिर्फ इसी इनपुट को आउटपुट में पास ऑन करेगा। मींस इस केस में जो आपकी आउटपुट होगी Y, वो आपकी I0 होगी। अगर आप डायलर की पोजीशन को चेंज करके इस डायलर को यहाँ पर ले आते हैं, तो इस केस में ये मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, सिर्फ इसी इनपुट को आउटपुट में पास ऑन करेगा। मींस यहाँ पर आपकी जो आउटपुट होगी इस केस में, वो होगी I2। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इनपुट लाइंस हैं, ये इनपुट लाइंस जो हैं वो डाटा कैरी कर रही हैं, मींस सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी कर रही हैं, और इस डायलर को आप मूव करवा के किसी भी इनपुट लाइन को जो कि डाटा कैरी कर रही होगी, सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी कर रही होंगी, एज ए आउटपुट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा सेलेक्टर भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ सेलेक्टिंग डाटा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये डायलर कैसे मूव करेगा, कैसे ये डिसाइड होगा कि इन चारों में से कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट में पास ऑन होगी। मींस आपको आउटपुट में I0 मिलेगा, या फिर I1 मिलेगा, I2 मिलेगा, या फिर I3 मिलेगा। ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ सम कंट्रोल सिग्नल्स, जिनको हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइंस या फिर सेलेक्ट इनपुट्स। ये सेलेक्ट लाइंस क्या करती हैं, ये डिसाइड करती हैं, इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं कि कौन सी इनपुट जो है इन चारों में से कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट में पास ऑन होगी। अगर आपके पास चार इनपुट्स हैं, तो उस केस में आपके पास दो सेलेक्ट लाइंस होती हैं, जिनको हम डिनोट करते हैं S0 एंड S1 से। देखिए स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा कि S0 एंड S1 की क्या वैल्यूज़ हैं। उन वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सी इनपुट जो है वो एज ए आउटपुट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर है I0। 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 00, 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 01, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 10, और 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 11। मींस जब आपकी S0 की वैल्यू 0 होगी और S1 की वैल्यू 1 होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये डायलर जो है वो इस पोजीशन पर मूव कर जाएगा, और इस केस में जो आपकी इनपुट है I0, वो आपको एज ए आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगी Y=I0। अगर हमारा S0 0 हुआ, S1 1 हुआ, तो ये डायलर जो है वो कहाँ मूव करेगा, वो यहाँ पर मूव करेगा, और उस केस में आपकी आउटपुट जो है वो होगी यहाँ पर I1। ये वाली इनपुट जो है वो आउटपुट में पास ऑन हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपका S0 1 हुआ, S1 0 हुआ, तो उस केस में डायलर जो है वो इस पोजीशन पर मूव करेगा, और ये वाली इनपुट जो है वो एज ए आउटपुट आपको देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर आपकी आउटपुट होगी I2। इसी तरह से अगर S0 1 हुआ और S1 1 हुआ तो डायलर जो है वो इस पोजीशन पर मूव कर जाएगा और इस केस में आपकी ये वाली इनपुट एज ए आउटपुट पास ऑन होगी, तो इस केस में आपका जो आउटपुट होगा वो I3 होगा। इस तरह से आपका मल्टीप्लेक्सर जो है वो वर्क करता है। यहाँ पर चार इनपुट्स हैं, वन आउटपुट है, तो ये हमारा होगा 4:1 मल्टीप्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सर को हम शॉर्ट फॉर्म में मक्स भी बोलते हैं, MUX, तो ये होगा हमारा 4:1 मक्स। अब यहाँ पर चार इनपुट थी तो दो कंट्रोल सिग्नल्स थे, दो सेलेक्ट लाइंस थी। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितने इनपुट्स के लिए आपको कितनी सेलेक्ट लाइंस लेनी है? एक्चुअली नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस एंड नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है। उस रिलेशन से आप पता लगा सकते हैं कि आपको कितने इनपुट लाइंस के लिए कितनी सेलेक्ट लाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स वो रिलेशन भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, अ मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच एक्सेप्ट्स मेनी इनपुट्स बट सेलेक्ट्स ओनली वन इनपुट टू बी पास्ड ऑन टू द आउटपुट, दस अ मल्टीप्लेक्सर इज अ मेनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट डिवाइस। तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि बहुत सारी इनपुट्स को एक्सेप्ट कर सकता है, बट इन बहुत सारी इनपुट्स में से ये सिर्फ एक ही इनपुट को आउटपुट में पास ऑन करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर जो है वो एक मैनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट डिवाइस होता है। द सिलेक्शन ऑफ द इनपुट टू बी पास्ड ऑन टू द आउटपुट इज डन बाय अ सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स नोन एज सेलेक्ट इनपुट्स और सेलेक्ट लाइंस। अब इन बहुत सारी इनपुट्स में से कौन सी एक इनपुट जो है वो आउटपुट में पास ऑन होगी ये डिसाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, जिनको हम सेलेक्ट इनपुट्स या फिर सेलेक्ट लाइंस भी बोलते हैं। आप इन सेलेक्ट इनपुट्स पर क्या वैल्यूज देते हैं उन वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट में पास ऑन होगी। तो हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया था कि हमने एक 4:1 मक्स लिया है, मल्टीप्लेक्सर लिया है, जिसमें चार इनपुट्स हैं I0, I1, I2, I3 और एक आउटपुट है Y। तो 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 00, 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 01 और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 10 और 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 11। अगर हम S0, S1 पर 00 रखेंगे, इन दोनों कंट्रोल सिग्नल्स को 00 वैल्यूज देंगे, तो उस केस में जो ये वाली इनपुट है वो आउटपुट में पास ऑन हो जाएगी। इस केस में आपकी आउटपुट जो है वो होगी I0। अगर आप S0 पर 0 देते हैं, S1 पर 1 देते हैं, तो उस केस में ये वाली इनपुट जो है वो आउटपुट में पास ऑन होगी और इस केस में आपकी आउटपुट जो है वो I1 होगी। अगर आप S0 को 1 देते हैं और S1 को 0 देते हैं, तो उस केस में ये वाली इनपुट जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी और इस केस में आपकी आउटपुट होगी I2। और अगर आप S0 को 1 देते हैं, S1 को 1 देते हैं, तो उस केस में ये वाली इनपुट जो है वो आउटपुट में पास ऑन होगी और इस केस में आपकी जो आउटपुट होगी वो होगी I3। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। द वैल्यू ऑन दीज सेलेक्ट इनपुट्स विल डिटरमाइन द इनपुट दैट इज टू बी पास्ड ऑन टू द आउटपुट। इन सेलेक्ट इनपुट्स पर आप क्या वैल्यूज देते हैं उससे ये डिसाइड होगा कि इन बहुत सारी इनपुट्स में से कौन सी एक इनपुट जो है वो आउटपुट में पास ऑन होगी। ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया था। अब यहां पर चार इनपुट्स थी तो आपको दो सेलेक्ट इनपुट चाहिए थी, तो जो नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होती हैं और जो नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स होती हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है। अगर आपको इनपुट लाइंस का नंबर पता है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी सेलेक्ट इनपुट चाहिए। उसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को भी देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो रेफर टू एज डाटा सेलेक्टेड एज इट सेलेक्ट्स ओनली वन इनपुट्स कैरिंग डाटा आउट ऑफ मैनी इनपुट्स टू बी पास्ड ऑन टू द आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा सेलेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारी इनपुट लाइंस होती हैं और हर एक इनपुट लाइन जो है वो डाटा कैरी कर रही होती है, मीन सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी कर रही होती है। बट इन बहुत सारी इनपुट लाइंस में से सिर्फ एक ही इनपुट जो है वो आउटपुट में पास ऑन होगी, और इन बहुत सारी इनपुट्स में से कौन सी इनपुट आउटपुट में पास ऑन होगी वो हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स। सेलेक्ट इनपुट्स ये कंट्रोल करती हैं कि कौन सी
इनपुट जो है जो कि एक पर्टिकुलर डाटा कैरी कर रही होगी वो आपको आउटपुट में पास ऑन होगी। अब मल्टीप्लेक्सर इज एब्रीवेटेड एज मक्स। मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट फॉर्म में हम MUX के नाम से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद का काम हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कंसीडर अ एन रेशो 1 मक्स वेयर एन इज द नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। तो जो डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना है वो बना के आना है ये वाला, जहां पर हमने ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है एन रेशो 1 मक्स का, जहां पर एन है नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। तो एन इनपुट लाइंस हमें बनानी है। पहली इनपुट लाइन होगी I0, दूसरी इनपुट लाइन होगी I1 और ऐसे करते करते आपको लास्ट इनपुट लाइन बनानी है जो कि होगी आपके पास IN-1, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था तो इसलिए यहाँ पर N-1 आएगा। इन्हें जब आप काउंट करेंगे तो ये N इनपुट लाइंस होंगी। लेट M डिनोट द नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स और सेलेक्ट लाइंस। हम मान लेते हैं कि इस N रेशो 1 मक्स के लिए आपको M नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी और वो होंगी S0, S1 से लेके कहाँ तक SM-1 तक, ये M नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स होंगी क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे I0, I1 से लेके IN-1, ये हमारी इनपुट लाइंस होंगी, N नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, और सेलेक्ट इनपुट्स हमने मान ली S0, S1 से लेके SM-1, मींस M नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स मान ली हैं। तो इन N नंबर ऑफ इनपुट लाइंस में एंड M नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है N इज इक्वल टू 2^m, मींस नंबर ऑफ इनपुट लाइंस जो होंगी वो होंगी 2^ यहां पर आएगा नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं M इज इक्वल टू log बेस 2, यहां पर आ जाएगा आपका N। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं इस रिलेशनशिप को। मान लेते हैं आपकी नंबर ऑफ इनपुट लाइंस है 2, लेट N इज इक्वल टू 2, तो उस केस में आपको सेलेक्ट लाइंस कितनी जरूरत पड़ेगी, तो यहां से आ जाएगा M इज इक्वल टू log बेस 2 2 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। तो 2:1 मार्क्स के लिए आपको जो नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट चाहिए होंगी वो 1 चाहिए होंगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगर आपकी इनपुट लाइंस जो है वो 4 हुई तो उस केस में नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी log बेस 2 4 आ गया, 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं log 2 2 का स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा M इज इक्वल टू 2 बेस 2 2 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2। तो 4:1 मक्स के लिए आपको जो इनपुट जो आपको सेलेक्ट इनपुट चाहिए होंगी वो चाहिए होंगी 2। इसी तरह से अगर आपका नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हुई 8 तो उस केस में नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स हो जाएंगी log 2 8 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं log 2 2 की पावर 3 3 आगे आ जाएगा log बेस 2 2 ये 1 हो गया तो यहाँ पर आ गया 3। तो 8:1 मक्स के लिए आपको जो सेलेक्ट इनपुट चाहिए होंगी वो 3 होंगी। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपको इनपुट लाइंस का नंबर पता है तो आप सेलेक्ट इनपुट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेक्स। देखिए स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको मल्टीप्लेक्सर से जुड़ी हुई एक चीज पता होनी चाहिए और वो ये है कि मल्टीप्लेक्सर जो होते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो मार्केट्स में आईसीस की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आप एक सिंगल आईसी से बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आप मल्टीप्लेक्सर आईसी से डिकोडर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एनकोडर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाफ एडर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो आप सिंगल आईसी से रियलाइज कर सकते हैं। जब आप एक सिंगल आईसी से बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर पाएंगे तो आपको बहुत सारे लॉजिक गेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बहुत सारे लॉजिक गेट्स कनेक्ट नहीं करने होंगे तो आपकी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लॉजिक गेट्स कनेक्ट नहीं करने पड़ रहे हैं तो आपके जो नंबर ऑफ वायर्स हैं जो आपको लॉजिक गेट्स
कनेक्ट करने के लिए चाहिए होती वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। तो इसी चीज़ से एडवांटेजेस जो हैं वो रिलेटेड हैं। तो पहले आप एक लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लेक्सर्स आर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड MSI सर्किट्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ICs। मल्टीप्लेक्सर जो है वो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड को हम MSI से डिनोट करते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है मार्केट में। एक सिंगल IC से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लॉजिक गेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से एडवांटेजेस क्या क्या निकल के आते हैं वो देखते हैं। पहला एडवांटेज है रिड्यूसेस नंबर ऑफ वायर्स। आपको बहुत सारे लॉजिक गेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, एक ही IC से आपका काम चल रहा है, तो आपकी नंबर ऑफ वायर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। इसी कारण से आपकी जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। एक तो आपके नंबर ऑफ वायर्स कम होगी, साथ के साथ आपको लॉजिक गेट्स जो है वो ज्यादा यूज नहीं करने पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू डिजाइन वेरियस कॉम्बिनेशनल सर्किट। थर्ड पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशनल सर्किट्स लाइक हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर एटसेट्रा। इस IC की हेल्प से, मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आप बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आने वाले वीडियोस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर स्टडी करेंगे, जैसे 2:1 मल्टीप्लेक्सर, M4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर एंड सो ऑन। तो वहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इस ब्लॉक डायग्राम में हमें एक चीज़ और बनानी होती है और वो होती है हमारी अनेबल इनपुट, अनेबल इनपुट E। अगर अनेबल इनपुट 0 है तो उस केस में क्या होगा, जो अगर आपने सेलेक्ट लाइंस पर कोई भी वैल्यूज दी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस केस में आपका मल्टीप्लेक्सर जो है वो वर्क नहीं करेगा। अगर आपके अनेबल इनपुट हाई है, मीन्स 1 है, तब भी आपका मल्टीप्लेक्सर जो है वो वर्क करेगा। तो जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम इस अनेबल इनपुट का भी काम में लेंगे। हम एक बार E को 0 रखेंगे, उस केस में मल्टीप्लेक्सर वर्क नहीं करेगा, और एक बार अनेबल इनपुट को हाई करेंगे तो उस केस में सारी पॉसिबिलिटीज देखते हुए क्या क्या हमें आउटकम्स देखने को मिलेंगी, क्या क्या हमें आउटपुट देखने को मिलेगी, उस हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स को स्टडी किया जाएगा आने वाली वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।